बीजेपी हाईकमान ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों में से अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल, इन 3 लोकसभा सीटों पर नाम फाइनल किए गए हैं। इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने अल्मोड़ा से अजय टमटार, नैनीताल से अजय भट्ट, टिहरी से माला राज लक्ष्मी शाह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। हरिद्वार और गढ़वाल सीट से नहीं हुआ उम्मीदवारों का ऐलान। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें हरिद्वार, गढ़वाल, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा शामिल हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन 2 अन्य लोकसभा सीटों हरिद्वार और गढ़वाल पर प्रत्याशियों के नामों पर अभी सस्पेंस बना है। इन सीटों पर बीजेपी ने आखिर क्यों नहीं किया उम्मीदवारों का ऐलान? सबसे पहले आपको ये बता दें कि इन सीटों पर वर्तमान में कौन सांसद हैं। अगर हरिद्वार सीट की बात करें तो यहां से अभी रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, जिन्हें मोदी 2.0 सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, मगर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हरिद्वार सीट से बीजेपी के कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी नाम शामिल है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी सीट पर प्रत्याशी चेंज कर सकती है और किसी दूसरे नेता को टिकट दे सकती है। अब उत्तराखंड की गढ़वाल सीट की बात करें तो यहां से अभी तीरथ सिंह रावत सांसद हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस सीट से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज का नाम शामिल है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी सीट पर प्रत्याशी बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।